हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे गुजराती मेथी थेपला। तो ये खाने में टेस्टी भी और हेल्दी भी होता है। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए मेथी। तो मेथी को मैंने साफ करके धो के इसे मैंने बारीक काट लिया है और गेहूं का आटा लिया है और कुछ मसाले। तो मसालों में मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है, जीरे का पाउडर, सफ़ेद तिल लिए हैं और थोड़ी सी अजवाइन, हल्दी, नमक और लाल मिर्च ली है और हरी मिर्च का पेस्ट लिया है, हींग और 4 चम्मच दही लिया है और 2 चम्मच बेसन, तेल लिया है और पानी लिया है डो बनाने के लिए। तो अभी इसे हम बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमें मेथी में सारे मसाले डाल के इसे मिलाना है। तो जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है, अब हम सारे मसाले भी इसमें डाल देते हैं। बेसन 2 चम्मच, तो बहुत ज़्यादा बेसन नहीं लेना है। दही 4 चम्मच, दो से 3 चम्मच हम इसमें तेल भी डालेंगे। और हरी मिर्च का पेस्ट 1 चम्मच। थोड़ा सा हींग भी डालेंगे इसमें। अब इन मसालों को हम अच्छे से मिला लेंगे मेथी सॉफ्ट होने तक। और इसका आटा गूंदने में हमें पानी की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि हमने मेथी को धो लिया था, तो उसका पानी भी है और हमने दही इसमें डाला है, तेल भी डाला है। तो हम पहले से पानी इसमें नहीं डालेंगे, पहले हम आटे को इसमें मिलाते हुए इसका डो बनाएंगे। पूरा आटा इसमें हम डाल देते हैं। तो डो बनाने में मुझे पानी की ज़रूरत नहीं लगी है, तो इसी में हमने आटा गूंद लिया था जो मेथी हमने बनाई थी। तो अभी हम थेपला बना लेते हैं। तो आटे में से हम थोड़ा सा आटा निकालते हुए छोटा सा एक बॉल बनाएंगे। तो थेपले छोटे ही होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं। और सिंपल सा मैंने रोटी की जैसे ही इसे बेला है, तो बहुत ज़्यादा मोटा या बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेला है इसे। तो एक थेपला हमारा बेल के रेडी हो चुका है। तो अभी हम इसे सेक लेते हैं। तो तवा मैंने पहले से गरम करने के लिए रख दिया था, अभी हम इसमें डाल देंगे। और फ्लेम को मैंने मीडियम ही रखा है।
तो इसे हम मीडियम फ्लेम पे ही इसे सेकेंगे। और इसे लगाने के लिए मैंने ऑयल का इस्तेमाल किया है, चाहे तो आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमें मीडियम फ्लेम पे इसे सेकना है, ताकि जो हमने जो इसमें बेसन डाला है और मेथी डाली है वो भी अच्छे से पक जाए, कच्ची ना रहे। तो थेपला हमने सेक लिया है, अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हमारा गुजराती मेथी थेपला रेडी हो चुका है। तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी भी है और हेल्दी भी। तो आप इसे घर पे ज़रूर बनाइए और इसे अचार के साथ, दही के साथ या सॉस के साथ आप खा सकते हैं, या चाय के साथ भी खा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।